हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 का वर्कशीट 3 रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमको रेशनल नंबर में चेंज करना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.25, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिए 0.25 को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटाना है, हमको रेशनल नंबर में लिखना है। ये क्या हो जाएगा, 25 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो यहां पे 20 लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये डिवाइड हो जाएगा, 25 1 25 4 100। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है -0.052। ओके, देखियो इसको भी इसी तरह चेंज करेंगे, पहले रेशनल नंबर में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में हमारा 52 हो गया, डिनोमिनेटर में देखिए कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 52 को और 1000 को, 13 4 4 से डिवाइड करेंगे, 13 टाइम जाएगा ये, 13 4 52, अब 4 से डिवाइड करेंगे 1000 को, 4 2 8, यहां पे कितना बचा, 2 4 5 20 0, आंसर आ गया हमारा। यहां पे देखिए माइनस है, -13/250। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे, 7.50, क्या हो जाएगा ये, देखिए 7.50 है, तो क्या लिखेंगे, 75। ओके, 750 लिखेंगे, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहां पे 20 लगाएंगे। ओके, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अब 5 2 10, 5 1 5 5 5 25, आंसर आ गया 15/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है -2.15, तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 215 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो यहां पे 20 लगाएंगे। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 20, यहां पे 1 बचा, 5 3 15, 5 2 10, यहां पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा, -43/20। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.036। ओके, देखिए इसको डेसिमल के रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर लिखेंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो यहां पे 1 2 3 0 हो जाएगा। ओके, अब डिवाइड करेंगे, देखो इसको 4 से, 4 9 36, यहां पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 5 20 0। ओके, आंसर आ जाएगा हमारा 9/250, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9.6। ओके, इसको लिख सकते हैं 96/, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है, तो यहां पे 10 लगेगा, -96/10। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10। ओके, आ जाएगा आंसर -48/5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे, 31.25, क्या हो जाएगा ये, 3 1 2 5/ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां पे 1 2 20 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 3125 को, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 20 टाइम गया है, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 30,
वन बचा 5 2 10, 2 बचा 5 5 25। ओके अब देखिए फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 4 20, 5 1 5, यहां पे 1 बचा 12 हो जाएगा ये, 5 2 10, 5 5 25, आंसर आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.32। ओके 1632 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहां पे 20 हो जाएगा। ओके अब डिवाइड करेंगे इसको 2 से, ओके 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, यहां पे डिवाइड करेंगे 2 5 10, 0। ओके फिर डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 816 है, यहां पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 4 8, अब 16 देखिए 2 डिजिट्स है तो 0 लगाएंगे, 2 8 16। ओके आंसर आ जाएगा 408 डिवाइड बाई 25। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन 0.107। ओके इसको कैसे लिख सकते हैं, 107 डिवाइड बाई, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 0 हो जाएगा। ओके देखिए हमारा डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 107/1000। ओके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके क्या करना है हमको, देखिए एड करना है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5, 7.51 एंड 11.501, कैसे इसको ऐड करेंगे, देखिए इसमें क्या देखना रहता है हमको, डेसिमल को एक सामने रहेगा, डेसिमल को कॉलम मेथड से हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 2.5, अब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रहेगा 7.51 एंड 11.501। ओके देखिए डेसिमल हमारा एक नीचे एक होना चाहिए, सीधी रेखा में होना चाहिए ये, अब ऐड कर देंगे इसको, देखिए यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 + 0 1, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का 5 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 का 1 हो जाएगा 1 कैरी, 1 + 1 2, 21.511, ये हमारा आंसर आ जाएगा 21.511। ओके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 12 5.96 एंड 3.076, देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, अब देखिए यहां पे लिखेंगे 12, ओके आगे क्या है हमारा 5.96, तो क्या हो जाएगा 5.96, देखिए 12 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको आगे कोई जो नंबर नहीं है, ये हो गया हमारा 5.96, अब आगे लिखेंगे 3.076। ओके ये ध्यान देना है कि हमारा डेसिमल जो है एक लाइन में होना चाहिए, ओके डेसिमल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अब ऐड करेंगे इसको, यहां पे क्या आ जाएगा 6 6 + 7 13, 3 हो जाएगा 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी हो जाएगा आगे, यहां पे 1 कैरी क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 का 1, 1 कैरी हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा 2, ओके 1 + 1 2, आंसर आ गया हमारा 21.036। ओके इस तरह आसानी से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 9.08, 19.76 एंड 20.54, देखिए उसको लिखेंगे कॉलम में पहले 9.08 एंड 19.76 एंड 20.54। ओके अब ऐड करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 + 6 14, 14 + 6 4 18, ओके 18 का 8 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, यहां पे ऐड करेंगे आगे 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 का 3 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, अब आगे देखिए 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 का 9 1 कैरी लिखेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, ओके आंसर आ गया
49.38। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 3.009, 0.592 एंड 14.745। देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, 3.009 ओके एंड 0.592 एंड 14.745। अब इसको ऐड कर देंगे, यहां पे देखिए 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 16, 16 का 6 वन कैरी होगा, यहां पे आएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 वन कैरी हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, ओके 13 का 3 वन कैरी हो जाएगा आगे। अब देखिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 एंड 1, आगे आंसर हमारा 18.346, ये हमारा फाइनल आंसर गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन 19.5, 12.06 एंड 17.921। ओके, देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, 19 एंड 9.5 और आगे ऐड करेंगे 12.06। देखिए हमको डेसिमल को एक साथ रखना है, ठीक है, एक लाइन में। अब 17.921 ओके, देखिए डेसिमल हमारे साथ एक लाइन में है। अब इसको ऐड करेंगे, यहां पे देखिए वन आएगा, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 9 14, 14 का 4 वन कैरी हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 7 28, 28 का देखिए 8 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, आंसर आ गया हमारा 58.481, ये हमारा आंसर आ गया 58.481, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेसिमल्स। ओके, क्या करना है हमको, देखिए प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.9 इंटू 3.5। ओके, देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां पे क्या है हमारा 2.9 और यहां पे 3.5। देखिए हम लोग देखेंगे पहले कि डेसिमल को ध्यान नहीं, देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 29 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा 9 5 45, 5 हो गया, 4 कैरी हो गया यहां पे। अब 5 2 10, 10 प्लस 4 14। ओके, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27, 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। ओके, अब ऐड करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 5, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। ओके, अब ये हमारा आंसर देखिए आ गया है 1015। अब देखना क्या है इसमें, देखिए डेसिमल हमारा कितने डिजिट के बाद है, वन डिजिट यहां पे है और यहां पे वन डिजिट है, वन और वन टू हो गया, तो यहां पे क्या करना है हमको, टू डिजिट राइट साइड से टू डिजिट गिन के हमको डेसिमल लगाना है, 1 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 10.15, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही डेसिमल देखिए आगे भी करेंगे हम लोग, 37 इंटू 12.76 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1276। देखिए डेसिमल को ध्यान नहीं देंगे अभी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब 37 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 2 हो जाएगा, यहां पे 4 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 4 53, 3 हो गया, यहां पे 5 कैरी हो जाएगा, 7 2 14, 14 प्लस 5 19 का 9 1 कैरी होगा। अब आगे 7 1 7, 7 प्लस 1 8। ओके, आगे मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से, 3 6 18, इनका 8 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 3 7 21, 21 प्लस 1 22, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। ओके, 7 1 3,
अब आगे देखिए ऐड करेंगे इसको, अब 2, 8 प्लस 3, 11, 1 हो जाएगा, 1 कैरी यहां पे, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 2, 12, 12 का 2 हो जाएगा 1 कैरी, 8 प्लस 8, 16, 16 प्लस 1, 17, 1 कैरी हो जाएगा, 3 प्लस 1, 4, ओके आ गया हमारा 47,212। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, यहां पे, यहां पे डेसिमल नहीं है, यहां पे 1, 2 डिजिट्स हैं, तो यहां पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 472.12 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 0.84 × 8.8, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जीरो नहीं लगाएंगे पहले, 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 में, ओके डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल तो बाद में लगाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद, 8 × 4 = 32, 2 हो गया, 3 कैरी हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 64 + 3 = 67, ओके अब आगे फिर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 × 4 = 32, 2 हो गया, 3 कैरी, 8 × 8 = 64 + 3 = 67, अब ऐड करेंगे 2, 7 + 2, 9, 7 + 6, 13, 1 carry 6 + 1, 7, ओके हमारा देखिए 7,392। अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट यहां है, यहां पे 1, 2, 1, 2 और यहां पे 1, 3 हो गया, 1, 2, 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ गया हमारा 7.392। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 2.56 × 11.09, ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1109 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 में, ओके 6 9 = 54, देखिए यहां पे जीरो है तो दोनों डिजिट लिखेंगे क्योंकि यहां पे जीरो है, 6 9 = 54, 6 1 = 6, 6 1 = 6, ओके ये आ गया हमारा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 9 = 45, तो ये भी दोनों डिजिट लिखेंगे हम लोग, 5 1 = 5, 5 1 = 5, ओके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 = 18, फिर भी दोनों डिजिट लिखेंगे हम लोग, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 1 = 2, अब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ये 4, 5 + 5, 10, 1 कैरी हो गया, 6 + 4, 10, 10 + 8, 18, 18 + 1, 19, 19 का 9, 1 कैरी हो जाएगा, 1 carry 6 + 1, 7, 7 + 5, 12, 12 + 1, 13, 1 carry हो जाएगा यहां पे, 5 + 1, 6, 6 + 2, 8, आगे 2, ओके अब लिखेंगे इसको देखिए 2, 8, 3, 9, 0, 4, अब डेसिमल कहां लगाएंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1, 2, 3, 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 28.3904, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे 12.4 × 15.7 × 13.2, देखिए हमको कैसे करना है इसको मल्टीप्लाई, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको हमको 13.2 से मल्टीप्लाई करना आएगा। ओके अब आगे देखिए करेंगे इसको 124 × 157, ओके क्या हो जाएगा 7 4 = 28, 2 कैरी हो गया, 7 2 = 14, 14 + 2 = 16 का 6, 1 कैरी, 7 1 = 7 + 1 = 8, ओके अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 = 20, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 = 10, 10 + 2 = 12, 1 कैरी, 5 1 = 5, 5 + 1 = 6, ओके अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1 4 = 4, 1 2 = 2, 1 1 = 1, ओके ये आ गया हमारा 8 6 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 1 कैरी हो जाएगा यहां पे, 6 + 2 = 8 + 1 = 9, यहां पे 1, ओके अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किसमें करना है हमको 132 से, 192
सॉरी 19468 इंटू 132 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 1 कैरी होगा, 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 हो गया 1 कैरी, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 2 9 18, सॉरी 2 9 18 का 8 1 कैरी होगा, 2 1 2 प्लस 1 3, ओके। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 6 18 प्लस 2 20 का 0, 2 कैरी हो गया, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4 1 कैरी हो गया, 3 9 27, 27 प्लस 1, 28, ओके। 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 3, 3 प्लस 2 5। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 8 8, 1 6 6, 1 4 4, 1 9 9, 1 1 1, ओके। अब ऐड करेंगे, 6 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9, 1 कैरी, 3 प्लus 1 4, 4 plus 8 12, 12 plus 4 16, 16 का 6, 1 कैरी हो जाएगा, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 plus 1 2, ओके। ये हमारा आंसर आ गया 2 5 6 9 7 7 6, ओके। देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, आंसर आ गया हमारा 2569.776, ये हमारा फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग डिविजन्स, ओके। क्या करना है हमको, देखिए डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 59.049 डिवाइड बाय 9, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे पहले 59.049 डिवाइड बाय 9, ओके। देखिए इसको डेसिमल जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59049, ओके। अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, डेसिमल हमारा कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 0 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब हमारा क्या हो गया, यहां डेसिमल हट गया, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ओके। 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54, 5 बचा यहां पे, अब आगे डिवाइड करेंगे, 9 5 45, 5 बचा, फिर 9 6 54, 9 1 9, ओके। आंसर देखिए हमारा 6561 डिवाइड बाय 1000, ओके। आगे देखिए, अब 3 0 है यहां पे, तो 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 6.561, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ओके। देखिए इसको 10 के पावर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, 6.4 डिवाइड बाय 0.2, ओके। देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले हम लोग डेसिमल हटाएंगे, 6.4 डिवाइड बाय 0.2 इसको लिख सकते हैं हम लोग, आगे देखिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 64 इंटू, देखिए डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी वन डिजिट है, तो 2 इंटू 10, अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, यहां पे 2 3 6, 2 2 4, आंसर आ गया हमारा 32, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 0.015 डिवाइड बाय 3, सो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 0.015 डिवाइड बाय 3 इसको लिख सकते हैं, अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 15 लिखेंगे यहां पे डिवाइड बाय 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ओके। अब आगे देखिए यहां पे 5, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा
15, 3 मंजा 3, ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1000। ओके देखिए इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहां पे एक ही डिजिट है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1, 2, 3 डिजिट के बाद। तो क्या करेंगे हम लोग, दो जीरो आगे बढ़ा देंगे, 1, 2 और ये 5, ये आ गया हमारा 0.005। ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 0.012 डिवाइड बाय 12, देखिए 12 से डिवाइड करेंगे, 0.014 डिवाइड बाय 12। ओके देखिए इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 14 डिवाइड बाय 12 इनटू डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 6 12, ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 6 इंटू 1000, 6000। ओके देखिए यहां पे 7 डिवाइड बाई 6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 7 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 1 बचेगा यहां पे, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 1 जा 6, 4 बचेगा। ओके आगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, ये देखिए हमारा ये 1.1666 आता जाएगा ये। तो यहां पे इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/6 इंटू 1000 लिख सकते हैं, सॉरी 1/1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये देखिए 7/6 का आंसर हमारा क्या आएगा, 1.166। ओके ये बार में रहेगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बार में लिख देंगे इंटू 1/1000। अब आंसर लिख देंगे हम आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.00116। ओके ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02472 डिवाइड बाय 0.008। ओके देखिए पहले इसको डिवीजन में लिखेंगे, 0.02472 डिवाइड बाय 0.008। ओके तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा लिख लेंगे इसको 2472 डिवाइड बाय 8। ओके अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 50 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और न्यूमरेटर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1, 2, 3, यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब देखिए 0 को डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिवाइड हो गया, अब 8 से डिवाइड करेंगे 2472 को, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यहां पे देखिए 8 डिवाइड नहीं होगा, अब 0 बढ़ाएंगे, 8 9 जा 72, ये आ गया 309 डिवाइड बाय 100। ओके अब देखिए डेसिमल हमारा 2 डिजिट है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा, 3.09, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये 51.51 डिवाइड बाय 0.17। ओके देखिए इसको लिखेंगे पहले डिवीजन में, 51.51 डिवाइड बाय 0.17। ओके अब डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5151 इंटू, यहां पे देखिए डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां भी 2 डिजिट है तो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब 5151 को डिवाइड करेंगे 17 से। ओके 17 3 जा 51, फिर 51 डिवाइड करेंगे तो यहां पे 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है, 17 3 जा 51, तो हमारा आंसर आ गया 303। ओके देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके